जानते हैं कितने काम होते हैं शादी में। खानदी के बेटे की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? बस आप टाइम पे आ जाना, विद फैमिली आना। अच्छा रखते हैं। हाँ भैया ये पीछे उतार देना सामान, नीरज बैठा हुआ है, बता देगा कहाँ पे रखना है सामान। ठीक है जाइए। जैसे अरे सीमा बेटा कैसी है? मैं ठीक हूँ अंकल। कल आ रही है ना वैभव भैया की मेहंदी पे? आगरा का सबसे बढ़िया मेहंदी वाला बुलवाया मैंने। जी अंकल मैं तो पूरे हाथ भर के मेहंदी लगाऊंगी। अरे वाह। लेकिन अंकल भैया ये शादी करेंगे? उनका तो किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था ना। और मैं जान निकालता हूँ, अकल ही नहीं है किसके सामने क्या बात कर रही है। किसी और के सामने बकवास की ना तो गला दबा दूंगा, बदतमीज लड़की। ये दुनिया साली घटिया लोगों से भरी पड़ी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है कैसा है। तू देखना सीन, मैं क्या बनाऊंगा जिसपे सब अपने सीक्रेट शेयर करेंगे ना, तो भी उन्हें कोई जज नहीं करेगा। लेकिन तू ये ऐप के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अरे पैसा कौन सी बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से तो आ ही जाएगा पैसा। कहीं डाका वाका तो नहीं डालने वाला ना? वैसे इस बिल्डिंग में बहुत लोग हैं जो बहुत सारा पैसा दबा के बैठे। अरे तू तेरा छोड़ मेरा सुन, मैं ना घर छोड़कर भागने वाली हूँ, सिर्फ आगरा से नहीं कंट्री छोड़ के। वैसे भी यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो साथ में चलते हैं ना, मैं पैसे कमाऊंगा और तू उड़ाना। आगे तू आ जा। मॉम अपने पास इतना तो पैसा होगा ना कि मैं अब्रॉड जा सकती हूँ। अब्रॉड? तुझे तो पता है तू MBBS नहीं करी तो तेरे पापा कितने नाराज हो रहे हैं, और फिर अब्रॉड जाके करेगी क्या तू? मां कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, अकेले रह लूंगी। वैसे भी इस घर में रह के मेरा कुछ नहीं होने वाला, देखा है मैंने आपको और पापा को, मुझे नहीं जीनी ऐसी फेक परफेक्ट लाइफ। अच्छा क्या प्रॉब्लम है इस घर में, मुझे देख मैं कितनी खुश हूँ। मॉम अब थक नहीं जाती है फेक स्माइल करते करते? सॉरी माँ लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती, मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ, यही मेरी गलती है। ये क्या क्या शॉपिंग चल रही है? पैसा पानी की तरह बह रहा है। सुन बाद में कॉल करती हूँ। सामने वाले घर में 2 दिन में शादी है और पटाखे मेरे घर में फूट रहे हैं। अरे इंसान पैसा कमाता क्यों है? अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्या पर ये देखो किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? ये देख गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, ये देख क्या हो रहा है, अय्याशियां हो रही है अय्याशियां। लेकिन पापा ये सब मैंने नहीं खरीदा है। अरे बेटा मुझे मालूम है तूने नहीं खरीदा है, तू तो मुझसे बिना पूछे 2 रुपए की चीज तक नहीं खरीदती, ये सब सीमा की करतूत है। बस पैसा आया उड़ा दो, जब खुद कमाना पड़ेगा ना पता लग जाएगा। दी यार मैं तो भाग जाऊंगी यहाँ से, मुझसे नहीं होता अभी ये सब। कैसा घर है, कैसी फैमिली है, यहाँ सब एक दूसरे से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। दिखावा नहीं एडजस्टमेंट कहते हैं इसे, और लाइफ में प्रॉब्लम से भागना कोई सलूशन थोड़ी ना होता है। भागने वाले को कायर कहते हैं पता है ना, प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो उसे फेस करो। दी यार प्लीज ये बुक वाली थ्योरी मत शुरू करो, पूरी रील्स वाली फीलिंग आ जाती है, जो भी आ रहा है 10 सेकंड में ज्ञान बांट कर जा रहा है। अच्छा वैसे तेरी रियल लाइफ स्टोरी क्या है, कहाँ जाने का प्लान है? सीक्रेट है नहीं बता सकती। बताना। ए भिखारी रुकना 2 मिनट। ए भिखारी नहीं हूँ मैं भिखारी अभी बना हूँ, इससे पहले मैं बैंक में काम करता था। हाँ और हम भी पहले विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री
थोड़ी देर बाद ना यहाँ पटाखे फूटने वाले, पटाखे फूटने वाले। यार अलार्म तो बंद कर दिया गयो ना, मेरी नींद खराब हो जाती है। मम्मी पूरी बनानी है ना? हाँ। ती सुबह सुबह कौन आया होगा? पता नहीं, देखती हूँ। ये तो गोली की आवाज है। गोली? अरे कोई गोली नहीं, टायर वायर फटा होगा। 100% गोली की आवाज है। पैसे बेडरूम में है, अलमारी में। लगता है प्रभाकर के घर में चोर घुसा है, पुलिस को फोन करो। अरे देख तो लो। अरे यार बोला है उतना करो, कल लड़के की शादी है, मुझे कोई अड़चन नहीं चाहिए शादी में, फोन लगाओ। पुलिस वाले पे गोली चला दी, मैं एम्बुलेंस भेजा हूं। ओके, बंधक बनाने वाला एक आदमी है या फिर एक से ज्यादा लोग, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाना बहुत सीरियस ऑफेंस। वो जो भी है अच्छी तरह से जानता है कि वो बचेगा नहीं, मतलब उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। ये बंधक बने हुए लोग और पुलिस दोनों के लिए खतरनाक बात है, और ये बात मेरे काम को और भी मुश्किल करने वाली है। ये आदमी कौन है, इसका मकसद क्या है, क्यों जानबूझकर ये अपनी जान गंवा रहा है, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना होगा। ये केस सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। स्मिता जी, 3 घंटे में हम नासिक पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़की का लोकेशन नहीं मिला मुझे। सर मुझे भी फोन ऑन के टाइम हो गया, लेकिन उसका एक भी फोन नहीं आया अभी तक। भगवान करे वो ठीक हो, जिंदा हो। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये लड़की ने आप ही को क्यों फोन किया? ये आपको जानती तक नहीं है? सर मुझे नहीं पता। ऋषभ जी आप कुछ जानते इस बारे में? नहीं सर। हेलो अजीत, लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर वाईफाई नेटवर्क का तो पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक नेटवर्क का यूज कर रही है। पब्लिक नेटवर्क मतलब फ्री वाईफाई वाला नेटवर्क, जहां पर एक ही एरिया में सभी लोग एक ही वाईफाई यूज करते हैं। राइट सर। कौन सा वाईफाई है, लोकेशन क्या है? सर त्रंबक चौक पे कोई सुपर का वाईफाई है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहां 2000 से ज्यादा घर है और तकरीबन 6000 से ज्यादा लोग रहते हैं। 2000 घरों और 6000 लोगों में कहां ढूंढते फिरेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है, ऊपर से उसके साथ एक इंसान है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या हो सकता है उसे नुकसान पहुंचा भी चुका। इस लड़की को पहचानती हूँ, यह आत्महत्या करने वाली है। हाँ बोलो। सर लड़की का नाम वीरा है और उसकी छोटी बहन आरुषि, दोनों की शादी दो सगे भाइयों जय और विपुल लुंकाड़ से हुई थी, और ससुराल वालों का कहना है कि शादी के वक्त उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे जो डूब गए, क्योंकि 2 दिन पहले वीरा और उससे पहले आरुषि घर से भाग गई, और वो नहीं जानते कि वीरा कहाँ है। एरिया पता है मुझे, त्र्यंबकेश्वर घाट एरिया है। सर त्र्यंबकेश्वर छोटा एरिया नहीं है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है क्योंकि फ्री वाईफाई यूज कर रही है। हाँ लेकिन जिस कमरे से वो फोन कर रही है उसका एक फोटो भेजता हूँ मैं आपको, स्लम टाइप एरिया है। सर वहाँ पर स्लम्स भी बहुत हैं, ऐसे तो सर ढूंढना मुश्किल है, और सर हमारे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है मैं आधे घंटे में मिलता हूँ आपसे। ओके सर, मैं आपको त्र्यंबकेश्वर चौक पर मिलता हूँ। ओके। भाई ये प्रताप का घर है क्या? हाँ। मालूम है किधर गया? 2 दिन से तो घर पर नहीं है, मालूम नहीं कहाँ गया, क्यों क्या हुआ? ये लड़की को पहचानते हो?
ये एरिया तो काफी घना है। पीआई रंजीत शर्मा, जयपुर पुलिस। पीएसआई राहुल शिंदे। सर, इतनी आबादी में उस एक लड़की को ढूंढेंगे कैसे? देखिए, कोशिश तो करनी होगी, एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। सर, ये वीरा का पड़ोसी हमारा है। यही तो बिल्डिंग की छत पे है ये रूम। सर, दो बच्चों के खून का इल्जाम है। मैं गुनहगार हूँ। पहले मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका अपनी आंखों के सामने मरते हुए, और आज तू भी बेटा। तेरे साथ कितना गलत होता था, लेकिन मैं देखता रहा पर कुछ नहीं कर पाया। मैं गुनहगार हूँ बेटा। साहब, 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 इस कमीने की वजह से हुआ साहब। यह बाप नहीं, राक्षस है साहब। किसी ने मारा वीरा को, ये वीरा के साथ गलत करता था। सब इसमें चोरी का और घर में आग लगने का नाटक किया। कमीने, तू पिता कहलाने के लायक नहीं। कानून के हाथों में मजबूर हूं, वरना मैं अपने हाथों से तुझे फांसी दे देता। निकल जा। वीरा, वीरा आके खोलो, वीरा, वीरा, वीरा आके खोलो, प्लीज, प्लीज। सर, सर, होश आ गया वीरा को। वीरा, सर, ये इस लड़की का फोन। ये शायद वीरा की मां है। स्मिता जी, इसकी शक्ल तो आपसे मिलती है। हो सकता है इंटरनेट पे आपका फोटो देखा हो इससे, और आपके एनजीओ के बारे में पता किया होगा, और वहीं से आपका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आपको फोन किया, क्योंकि उसकी मां की शक्ल आपसे मिलती है। स्मिता जी, अगर आप नहीं होती तो आज इस लड़की को हम बचा नहीं पाते। आप सही मायने में एक सच्ची नागरिक हैं। आप रियल लाइफ की रियल सुपर हीरो हैं। आई सल्यूट यू फॉर दैट। मम्मा, मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था। आपको पता है, मैं ना आज आपको छोड़ के बैंगलोर भाग रही थी, पर अब मुझे रियलाइज हो गया कि आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। सो सॉरी मम्मा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी स्मार्ट हो गई है कि उसने गलती करने से पहले ही उसे सुधार लिया। अरे आई, तैयार है इसका बाबा।
आप बैठिए, मैं देखता हूँ। अरे रुको मोन, तुम लोग चाय पियो, मैं आई को देख के आती हूँ। अरे आई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तैयार तो बैठी हूँ। अरे आई, आज आपका जन्मदिन है ना, तो मंदिर में जाने के लिए जो नई साड़ी लाई है वो पहनो ना। मैं लाई तो हूँ आपके लिए। तू लाई? हाँ। का झालं? थांब। अभी इस उम्र में ऐसी चमक धमक साड़ी पहनूंगी? अरे आई, मैंने आपको बताया तो था, ये सुनेना के लिए। ये नीचे वाली ना, ये आपकी है। और प्रीति के लिए भी तो लाई होगी ना तू? जा, मोहल्ले में जो जो लोग हैं ना जिन्होंने अपने साथ खराब व्यवहार किया है, उनके लिए भी तू लेके आ। आप क्यों प्रीति का नाम निकाल रही है आई? सोनू सुनेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और ऐसे भी बहुत मुश्किल से अपनी माँ को भुला पा रहा है। मैं जाके सोनू को तैयार करती हूँ। पापा पापा, मैं आगे बैठ जाऊँ? आजा आजा। नहीं, आज ही आगे बैठेगी तू। चल दादाजी के साथ पीछे बैठ जा। आजा। हाँ पुष्पा, कुछ उपाय मिला क्या? लापरवाह है ये। अरे जाना ही था तो कम से कम बोल के चले जाती, ऐसी बारिश में। तिकड़े बग, तिकड़े बग, मैं तिकड़े बग। चल। सरिता। सरिता। आजी। नहीं गई। आजी। आजी। सरिता। आजी। आई। आई। जी सर। सर मैं अभी कोर्ट से आया। जज साहब ने एक और डेट दी है। I'll keep you posted. जय हिंद। घर में कोई झगड़ा वगैरह जिसकी वजह से खुद सही के चली गई हो? नहीं नहीं, सरिता ऐसी नहीं है, उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। खुद से कहीं चली गई होगी ना, क्या मतलब है ये? आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आपको बताया ना कि पूजा की थाली गिरी हुई थी। आई आई, the number you are trying to call is currently switched off. Kayala. Baba, आई का नंबर बंद बता रहा है। आई के साथ कुछ हुआ है और आप कह रहे कि खुद से कहीं चल। देखिए शांत हो जाइए, हमें पूछना पड़ता है, हमारी ड्यूटी है। अभी आप लोग घर जाइए, और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आती तो आप हमें बताना। हाँ तावड़े, एक नंबर भेजता हूँ, सरिता पाटिल नाम है उसका। जरा इस नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस करके भेजना जा मुझे। दामोदर, अजीत को भी बता देना चाहिए कि उसकी माँ इस उम्र में कहीं चली गई है। खबरदार, जो अजीत से किसी ने बात की तो हम जिए मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रिंकी बेटा, आज स्कूल नहीं जा रही हो? पापा आज तो सोच से। अरे हाँ, सुना ना,
टिफिन रेडी हुआ? हाँ बस 5 मिनट। हाँ वैसे आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? मंदिर गया था, आज आजी का बर्थडे है ना। आपको याद आ रही है तो मिल के आइए ना, कौन से दूर रहते हैं वो लोग? दूरी सिर्फ रास्ते की नहीं होती अजीत, जरूरत हमारी है। जो भी हो मैं झुककर बात नहीं करूंगा, और तुम ये सब मुझे दोबारा मत बोलना। टिफिन रेडी करो, क्लिनिक में पेशेंट्स आए होंगे। दामोदर इस वक्त कहाँ? प्रणय से मिलने। कौन प्रणय? एक दोस्त है, शायद उसे सरिता के बारे में कुछ पता है। पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप लोग सो जाना, मैं चाबी लेके जा रहा हूं। प्रणय क्या बात बतानी थी रे तुझे? देख दामोदर, बहन जी एक आदमी से मिलती थी, मैंने कई बार देखा था। प्रणय कहना क्या चाहता है तू? उस आदमी को मैं जानता हूँ, पुष्पक नाम है उसका। तो दोबारा ऐसी बात जुबान पर लाया ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी। समीर का लैपटॉप चेक किया, वो डेटिंग साइट पर एक लेडी से काफी बातचीत कर रहा था, शबाना नाम है उसका। वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा ही है। सर मेरा नाम शबाना खान है, समीर से मेरी एक डेटिंग साइट पे दोस्ती हुई थी। क्या बातें होती थी तुम दोनों की? समीर ने बताया था कि उसकी बीवी को कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझसे बस बच्चा चाहता था, और इसके बदले में मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इसके अलावा हमारी कोई और बात नहीं हुई। ये किलर हर मर्डर के बाद फैमिली को फोन करके क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? मजा आता है क्या उसे? जब पता है उसे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके बावजूद वो ये हरकत कर रहा है, भाई हमें तो चैलेंज नहीं कर रहा है, या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? योगेश, टीम में जितने भी ऑफिसर्स है सबको कह देना क्राइम स्पॉट के आसपास जितने भी सीसीटीवीज है, जितने भी है सब चेक करो, कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई दिया होगा। एक मिनट रुको, पीछे करो, पीछे रुको। ये क्या ले जा रहा है? इतना फुटेज कट करो। सर सर्वर रूम में आइए, कुछ मिला? सर हमारी टीम ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करी, और देखिए क्या मिला। ले करो जूम करना। बाइक के पीछे बोरे में क्या लेके जा रहा है? पत्थर लगता है। सिरा सर एरिया कौन सा है? साकिना।
साकीना का? सर आधी रात का फुटेज है, समीर के मर्डर के जस्ट बाद। मतलब साकीना का अपने घर जा रहा है पत्थर लेकर। पूरी टीम को बोलो कि सब लोग साकीना का पहुंचे, आज ही बचना नहीं चाहिए। सर साकीना का काफी बड़ा इलाका, कई हजार लोग रहते। साकीना का इलाके की हर कॉलोनी हर घर को हमने छान मारा। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अब कोई भी मुंबई कर उस शिकार नहीं होगा। हाँ साहब, ये सोनू की बाइक है साहब, ये क्या आगे वाली गली में रहता है? इस तरफ। इस तरफ साहब। ताला तोड़ दो। घर का कोना कोना छान मारो। मैं सारे पत्थर चेक करो। योगेश, ये सोनू गया कहाँ है? सर पड़ोसी बता रहे हैं कि अपने दोस्त के साथ बाहर गया। कौन दोस्त, कहाँ रहता है? काजन नाम, आगे की गली में रहता है। ठीक, फॉरेंसिक को बुला ले। राजन का दोस्त सोनू कहाँ है? सोनू मतलब नितेश। नितेश कहाँ है वो? सर वो पास में मयूर चाइनीज कॉर्नर पर। कहाँ है ये? मरोल में इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे। लेकिन सर हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे सर, सर मेरी बात तो सुनिए। ओके सर, विक्टिम के बारे में एक और बात पता चला, आदित्य पाटिल। मतलब उसके मर्दों के साथ संबंध थे? हाँ सर, लेकिन उसकी बहन अश्विनी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मर चुका। फेस तो खराब हो ही चुका है, लेकिन बॉडी पे जो कपड़े थे वो उन्हें भी आइडेंटिफाई नहीं कर रही। नहीं, ये मेरे भाई का नहीं है, ये मेरे भाई का नहीं है, मेरा भाई जिंदा है। अगर वो लड़की सच बोल रही है तो फिर भाई हम लोग गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? एकदम सबको लेके जाएगा, मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा। योगेश, फटाफट एक टीम अश्विनी के घर भेज दो, फिलहाल हम लोग इस नितेश के ही पीछे जाते हैं। पता है स्मिता कुछ कहती नहीं है, पर पता चलता है ना यार। तेरे बाप का क्या हाल है? उनसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ना ही उनको मेरे होने ना होने से। चलिए राजन, पुराने एरिया में चलते हैं, बड़ा दिन हो गया। चल मिल देना भाई। दे रख ले। चलो सर, यही था जिस 15 मिनट पहले इस तरफ निकला। बचपन से तेरे बाप ने तुझे मारा, बेकार समझता है वो तुझे। पर स्मिता,
वो जैसी लड़की कैसे टिक गई रही तेरे पास? तो उसको फिक्स कर पाता है? बड़े नसीब से मिले मुझे। बोलो सर, एक बात पता चली है, जहां पहले 3 मर्डर हुए थे उन एरिया से एक आदमी का कनेक्शन मिला है। बचपन का दोस्त है, तेरी सारी कला जान। एक बात बता ना, ये इस मुद्दा को खुश कैसे रखता है? तू साला मर्दों के साथ सोता है, धोखा दिया तूने स्मिता को। सोच, अगर ये बात स्मिता को पता चली तो वो आदमी नितेश नहीं, राजन है। राजन? राजन पहले आरे में रहता था, अभी 4 साल हुए वो आरे से शिफ्ट होकर के साकिन आकर रहने लगा है। राजन, राजन रुक जाओ, एक दे पत्थर। हट जाओ, मैं कह रहा हूँ। राजन पत्थर नीचे फेंको। हट जाओ, मैं सबको मार दूंगा। राजन कुछ नहीं होगा, फेंक दे पत्थर। हट जाओ, मैं कह रहा हूँ। आगल मत बंद राजन, सरेंडर कर दो। हट जाओ, बस करो। स्मिता, मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी जिंदगी में। अरे सिम, अड़तालीस घंटे में पूरी पुलिस फोर्स उतारनी पड़ी थी इस बच्चे को पकड़ने के लिए। प्रॉब्लम इस बच्चे की सनक और हमारी सोच में थी। हम पुलिस वाले कितना भी चाहे बच्चे की तरह नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है बचाने के लिए। इसलिए कभी कभी देर हो जाती है, पर पकड़ जरूर लेते हैं। हमें पता चला कि राजन के साथ बचपन में मॉलेस्टेशन हुआ था, जो बात उसने अपने घर पर नहीं बताई। फिर कॉलेज में पैसों के लिए वो यही काम करने लगा। कुछ दिन पहले नौकरी चली गई थी, बैंक बैलेंस खत्म हो गया था और पैसों के लिए उसने ये मर्डर्स किए। आदित्य से 4,000, समीर से 1,000 और घड़ी, और फैजल से 10 रुपये मिले। सिर्फ 5,010 रुपये के लिए इसने 3 मासूम लोगों को मारा था। योगेश, अरेस्ट प्रोसीजर कंप्लीट करना और इसके खिलाफ चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करना। चलो। सुगंध आ रही है। अच्छा जी, चलो। सॉरी पारुल बहन, रोजाना आप ही के घर आके खाता है ना, मेरे हाथ का बना उसके पसंद ही नहीं है। काश उसकी माँ आज होती। बहन बोलता फॉर्मेलिटी करता है। अरे हमारे घर में टिफिन के अलावा हम सबके लिए और इन बच्चों के लिए तो खाना बनता ही है ना, और चीकू के लिए तो स्पेशली। तुम नहीं होती तो मैं इसे किसके पास छोड़ के जाता जॉब करने के लिए? चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाय दीदी। आज निधि थोड़ा लेट सो के उठी है, तो ब्रश वगैरह तो हो गया, तो प्लीज तुम नहला दोगी? अरे आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी एहसान की कोई बात नहीं, संजीव की लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी तो हमें एक क्रेच खोलना पड़ा, और अगर आप जैसे पेरेंट्स हम पर विश्वास करके अपने बच्चों को हमारे पास नहीं सौंपते ना, तो पता नहीं क्या होता। इसको संभालो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, बाय बाय। चलो चंदा। दीदी आज मैं ना 3 बजे ही जाने वाली हूँ, अंगद को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, इसलिए। अंगद की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है दीदी, वो अपने हाथ से खाना भी खाने लगा है। 15 साल का हो गया है ना, फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करता है।
कर रहे हो, मैं कर लूंगी, छोड़ो। निधि का नहाना हो गया? हाँ हो गया दीदी। और बिट्टू? और बिट्टू का भी हो गया, उठ के खेलने भी गया बच्चों के साथ। बिट्टू जी, आज मम्मा को नो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आज पराठा खाएगा? यस मम्मा, खूब सारे बटर के साथ। बहुत सारे बटर के साथ, डन। दीदी? हाँ? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? नहीं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, अंगद का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आज का कैंसिल करवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा, देखना एकदम फटफटा है ना। ऐसे ही हंसते रहो, बहुत अच्छी दिखती हो। अच्छा चंदा सुनना, एक काम कर, तू बच्चों को बाहर संभाल, मुझे ना बाहर से कुछ काम है, मैं आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। ठीक है दीदी। हेलो, कहाँ? क्या जहाँ भी हो सीधा घर पहुँचो। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि पेमेंट लिया बिना घर पे मत आना। ये पेमेंट गया बाहर में, कहाँ ना घर पहुँचो। और बिट्टू ने जो गेम कहा था वो उसके लिए लेते आना। सुबह तो कह रही थी कि गेम बहुत महंगा है, बिट्टू बिगड़ जाएगा। सीधा घर पहुँचो बस। जो हुक्म में। आराम से आराम से आराम से आराम से। चलो फेंको, चलो फेंको। चंदा बच्चों को उनका फेवरेट कार्टून लगा दो। हाँ दीदी। और देखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा साहब आए ना तो उन्हें तुरंत मेरे पास भेज देना। ठीक है दीदी। चलो बच्चों कार्टून कौन देखेगा। चलो 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 चलो। चंदा हाय बच्चों। हेलो चंदा, कहाँ है तुम्हारी दीदी? बेडरूम में। बिट्टू यहाँ आओ बेटा, ये आपको चाहिए था। थैंक यू पापा, इसे मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखाऊं? जाओ ये देखो। अंदर आ जाओ। क्या बात है इतनी जल्दी? ये सब क्या है फिर से? अभी खत्म कहाँ हुआ? बैठो बैठो। तो क्या हो गया, तुमने कोई इंग्लिश फिल्म तो नहीं देख ली? फिल्म तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, कम से कम पैर तो खोल दो। सच में बोलते बहुत। हमारे कत्ल का सामान भी है यहाँ पे। चंदा तुझे तो जाना था ना, बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ। तू जा, कल टाइम से आ जाना। हाँ ठीक है।
हेलो सर, मैं पारुल शर्मा बोल रही हूँ, ज्वारा कंपाउंड इंदौर से। मैं यहाँ बच्चों को संभालने के लिए क्रेच चलाती हूँ। कंप्लेंट क्या है? मैंने यहाँ के सारे 10 बच्चों को बंधक बना लिया है। जावरा कंपाउंड के एक झूला घर में बच्चों को बंधक बनाया गया, प्लीज उसे चेक करें और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करें। डिटेल्स आपको भेज दिए गए। हाँ अंगद बेटा, आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे वो दीदी के घर पे ना पर्स भूल गई जल्दबाजी में। हाँ तो वही लेने आ रही हूँ और यहाँ से पर्स लेके ही निकल आऊंगी घर पे, ठीक है? हेलो, हाँ मैं बाद में फोन करती। ये पारुल क्रेश मतलब पारुल का झूला घर यही है क्या? इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई देता है, मैं यही पे काम करती हूँ। देखिए हमारे पास शिकायत आई है कि यहाँ किसी ने कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा है जबरदस्ती। ओ सर जी, यहाँ पे बच्चों के माँ बाप है ना, उनकी मर्जी से छोड़ के चले जाते, कोई जबरदस्ती नहीं करते। Sure? एक औरत ने 10 बच्चों को बंदी बना लिया है और एक कांस्टेबल की हत्या भी कर दिया है। ये तो बहुत संजीदा मामला है। कौन है इंचार्ज? यस सर, एएसपी राकेश श्रीवास्तव सर, आई एम इंचार्ज सर। डोंट वरी सर, आई विल टेक कंट्रोल। यस सर, क्या रिपोर्ट है? आइए सर। अरे क्या है? बंद करो ये मजाक, पागलपन की हद होती है कोई? वो तुमने गोली चलाई? हाँ, एक कांस्टेबल को मार डाला। बंद करो ये बकवास, मुझे खोलो यहाँ से। अरे यार मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। बस इतना याद रखो कि अगर जिंदा रहना है ना तो चुप रहो, वरना। वरना क्या? अपने पति को मारोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ। मैं कह रहा हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर अंदर से घर लॉक्ड है, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। सर गोली घर के उस खिड़की से चली, सीधे कांस्टेबल की पीठ पर लगी। आई एम सॉरी सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, बचाने का मौका ही नहीं मिला। आर यू श्योर गोली इतने डिस्टेंस पे मार्क पे लगी? मतलब तुम्हें रियली लगता अंदर कोई लड़की है या कोई हार्ड कोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेंपरेरी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है, अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर। गुड गुड, लेट्स गो। सो प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला, लगता है लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई, उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर उसका बेटा बिट्टू वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है, और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहाँ जहाँ टिफिन भेजा जाता है ना वहाँ बात करो, और एक टीम रेडी करो जो पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करें और हमें तुरंत रिपोर्ट करें। सब अब देखो कैसे करना है आपने। एम एंड थ्रो, चलो लेकर आओ लेकर आओ, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस 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 इज वेरी गुड। चलो ठीक है, तुम वॉशरूम जाओ, मैं चंदा मौसी को भेजती हूँ, जाओ चलो जाओ। वही मेरी लिट्टी चोखा, तू फिर रसोई में घुस गई? और तेनू मैंने कहा थी ना कि डिलीवरी तक कोई काम नहीं, तू है कि तेरे कानों पर चुई नहीं रही। अरे बक, मुझे आ जाएगी तो कुछ बुझाता नहीं आपको, कहीं भी शुरू हो जाते। बस मेरी बिहारन कितना चलान काटेगी है? और देख हमेशा देख के तो पराठे भी जल जाते हैं। जलने वाला लोग सबको ना हम पटना में ही छोड़ा है साहब जी, आपके क्या डर? हम्म, हाय मेरी बिहारन,
ये तो जासूस सब देख रही थी। तो क्या जासूस को भूख लगेगी तो क्या किचन में भी नहीं आएगी? अरे रे 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 मैडम जी, हम अभी नाश्ता बनाते हैं आपके लिए। ओए नहीं 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 नहीं, तू बैठ, मैं बनाऊंगा। चल अरे चल चल चल, मैं बनाऊंगा। आज से वेटर भी मैं और बावर्ची भी मैं। चल तो फिर क्या, कौन चलाएगा? ओ छोटे जासूस के आने तक पापा जी ने छुट्टी ले ली है। चल चलो चलो, भेजो 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 भेजो। बैठ आराम ना। ओए मेरी जासूस, अभी तक रूसी है पापा से? चीटिंग जो की आपने, कल बोल रहे थे कि छुट्टी ले ली है और आज देखो। सॉरी बेटा जी, इस ट्रिप के बाद पक्का छुट्टी ले लेंगे, प्रॉमिस। बस बस, बाधा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सब निभाइए लेंगे। ओए यार, तो इस बार मेरी जवान पत्थर की लकीरी सी, पर की करा, किस्मत दी लकीर पलट गई। ओए सोच, साड़ा बेबी वड्डा लकी हैगा, वो आने से पहले ही मुनाफा दे रहा है। सोच बलजीत पाजी इस ट्रिप के बदले बहुत सारे पैसे दे रहे हैं और तेरी डिलीवरी का खर्चा अलग से। बलजीत भाई जी को कब बुझाता है? उनके पास कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है का? साहब जी आप भी हालत में हमको छोड़ के जा रहे हैं। ओ यार, अब ये रूस ना छोड़ के स्माइल कर दे यार, नहीं तो मेरा पूरी ट्रिप में मूड सैड रहेगा। सोच ले भाई, कर दे स्माइल यारा, कर दे। हाँ जी बलजीत पाजी, अभी तक निकला ही नहीं। अरे जल्दी आ जा, अगर हम जोत पार्टी बाहर इंतजार कर रही है। अरे देर हो गई है इसलिए भड़क रही है मुझ पर। जी कौन साहब? अरे वही जिनका माल लेकर जाना है। अरे जल्दी आ जा, माल भी लोड करना है। हाँ जी हाँ जी, मैं आ रहा हूं। हाँ आ जा आ जा। तो ध्यान रखिए अपना, है ना, रोटी टाइम नाल खाएं, और जो मैं कैप्सूल लेके आया था वो जरूर खाएं, और तू शैतानी बिल्कुल नहीं करनी, मम्मी को परेशान नहीं करना, उनका ख्याल रखना है, ठीक है? पढ़ाई जरूर करी। कोई दिक्कत हो तो मैंने फोन जरूर करी। चलना धूल मिट्टी का खाने निकल पड़े? सोना वाला छुपा रखा है क्या पीछे? RG XX258 9 इस ट्रक का नंबर है जो मिसिंग है। हाँ सर, ऐसा क्या खास है इस ट्रक में जो आपको इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा? तुम तो जानते ही हो, सालों से RPCS प्रीलिम एग्जाम्स के पेपर लीक होने का मुद्दा गरम है। यस सर, बट आई एम श्योर इस बार स्टेट में कहीं भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुए हैं और एग्जाम भी सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। लेकिन इस बार इस एग्जाम के आंसर शीट्स ही गायब हो गए। आंसर शीट्स गायब हो गई? हाँ, 6 अक्टूबर को वो सारी आंसर शीट्स एक लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में लोड होकर निकली और कल रात 8 बजे तक उन्हें MCS यूनिवर्सिटी पहुंचना था, लेकिन ट्रक अभी तक गायब है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की सारी हायर अथॉरिटीज पैनिक मोड में है। रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट नजदीक है और इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की रेपुटेशन दांव पर है। पर आंसर शीट्स जैसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनी को हायर क्यों किया गया? क्योंकि पेपर लीक होने की घटना के बाद एग्जामिनेशन बोर्ड ने इनफॉर्मली पूरे रेगुलेटरी सिस्टम में कुछ फेरबदल किए थे और ये डिसीजन भी उनके सेफ्टी प्रिकॉशन का ही पार्ट था। एक एग्जामिनेशन IO उस ट्रक में ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहा था, लेकिन शायद उनका प्लान लीक हो गया। सर आपने बताया कि ट्रक का GPS शाम 6 बजे से डीएक्टिवेटेड है। हाँ, डिटेल GPS हिस्ट्री, IO एग्जामिनेशन और ड्राइवर का प्रोफाइल मैं तुम्हें मेल कर दूंगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं और 48 घंटे के अंदर हमें वो सारी आंसर शीट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करनी है। वी विल डू द बेस्ट सर। और एक बात का ध्यान रखना, मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए और अपने साथ उन्हीं ऑफिसर्स को रखना जिन पर तुम भरोसा करते हो।
तेरे शादी का युग नजदीक लग रहा है विश्वजीत। कोई लड़की पसंद की है क्या? आइए मास्टर जी, देखिए आपका चेहरा भी प्यार में पड़ गया, कैसे शर्मा रहा है। लीजिए आपकी वर्दी। धन्यवाद पंडित जी, हमें भी धन्य कर दीजिए, हमारा हाथ दिखे और बताइए हमें छुट्टी कब मिलने वाली है। तुम्हारे हाथ का क्या, पूरे पुलिस महकमे का चांद और पर्वत डिस्टर्ब है। ऐसा लग रहा है कि हम सब किसी भूल भुलैया में भटकने वाले हैं। इतनी उथल पुथल होने वाली है कि सोने के लिए भी नहीं मिलेगा, और तुम छुट्टी की बात कर रहे हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।